हेलो एवरीवन। तो आज ना मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ स्पेसिफिक, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे उनकी कैट्स के बारे में कि जब हमारी कैट्स छोटी थी तब तो उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो गई है वैसे वैसे उसके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए। तो इस सब के पीछे आखिरकार रीजन क्या हो सकता है? तो मैं इस चीज को ना हमारे लाइफ साइकिल के साथ कंपेयर करूंगी। तो जैसे हम हमारी प्यूबर्टी में आते हैं वैसे हमारे स्किन में चेंजेस पता चलने लगते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजेस पता चलने लगते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस पता चलने लगते हैं, वैसे ही कैट्स का ना हीट साइकिल आता है जिसमें इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इनके जो हीट साइकिल होती है ना वो यूजुअली 6 to 12 मंथ्स के बीच में आती है। अब हीट साइकिल के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन इस हीट साइकिल को रिकॉग्नाइज कैसे करना है ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी।